हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है यू वर्सेस देम। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है एंड ब्रेकअप हो चुका है आपका, ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। आज की रीडिंग उनके लिए है यू वर्सेस देम। आप अपने पार्टनर्स के लिए कैसा फील कर रहे हो करंटली एंड वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आज हम देखेंगे। रीडिंग काफ़ी डिटेल में होगी, ठीक है? इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे आप लोग कॉन्टैक्ट करें, ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको देखूंगी कि आपके उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर्स के लिए जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, इट कुड बी एनीवन, योर फ्रेंड, योर हस्बैंड, योर वाइफ। तो चलिए देखते हैं आप उनके लिए कैसा फील कर रहे हो करंटली। आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर्स के लिए, करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो गाइस, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मस्ट शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी मस्ट फॉलो करें, बिकॉज इन फ्यूचर मैं वहाँ पर भी लाइव फ्री रीडिंग स्टार्ट करूँगी, सो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पर राइट साइड पर ऊपर कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स भी मैं डेली अपलोड करती हूँ, आप लोग मुझे शॉर्ट रीडिंग्स के लिए वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है? बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश में मैं करती हूँ रीडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आप लोग करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पार्टनर्स के लिए। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर्स के लिए करंटली, आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर्स के लिए। सो फर्स्ट वी हैव एस ऑफ वैंड्स, इजली और सैगिटेरियस। हमारे पास है किंग ऑफ स्पोर्ट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए इस टाइम करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए। देन वी हैव सेवन ऑफ वैंड्स, सीरीज लियो, सैजिटेरियस। एंड देन गाइस हमारे पास द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, एरिस। एरिस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली फायर साइन, वाटर साइन, फायर साइन या फिर एयर साइन का आप कॉम्बिनेशन हो सकते हो। यस, सो आप लोगों की, आपके पार्टनर्स की एज जो है गाइस, वो मुझे लगता है जैसे इट कुड बी 24, 22, 27, 34, 37 and 39 भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर्स की एज, ठीक है? आपका सेपरेशन चल रहा है, डेफिनेटली चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, आप दोनों इस टाइम ब्रेकअप में हो। और आप लोगों की क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेके? डेफिनेटली गाइस, आप काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन में अटके हुए हो, बिकॉज ये पर्सन आपको किस तरह का क्लोजर नहीं दे रहा। और अदरवाइज कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको डेफिनेटली क्लैरिटी दे दी हुई है इस कनेक्शन में, ठीक है? ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन है, मुझे ये इमोशनल बिल्कुल भी पर्सन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? यहाँ तो हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल वे में इस पर्सन को लेके सोच रहे हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हो, बट फिर भी आप लोग अटके हुए हो इस कनेक्शन में। काफ़ी टाइम से ना आप लोगों की इस कनेक्शन में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, और मुझे बहुत ही लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से आप लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप चल रहा है, बात नहीं हुई, ब्रेकअप में चल रहे हो आप लोग, सेपरेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा आपके इस कनेक्शन का। अगर आप निकालना भी चाहते हो तो आपके दोनों के रास्ते में, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ तो इस पर्सन ने ब्लॉक किया है, ठीक है? ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है, डेफिनेटली ये आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ पे ये फीलिंग्स आ रही हैं। आप लोगों को भी यही लगता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता, जबकि आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडिया सोच रहे हो, न्यू जो है किसी भी तरह से आप लोग चाह रहे हो कि आपका इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए, आपका न्यू कनेक्शन इस पर्सन से स्टार्ट हो, ताकि आपको ये पर्सन जो है स्टेबिलिटी दे, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ठीक है? ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है, अथॉरिटेटिव है, आपको कंट्रोल भी करता रहा है कनेक्शन में। हो सकता है इस पर्सन ने हमेशा अपनी मनवाई है, आपकी नहीं मानता सुनता, ठीक है? ये पर्सन अपने दिमाग की करने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली एम्परर है, जो किसी की नहीं सुनता वो अपना ही लीडर होता है और अपने अकॉर्डिंगली सब को चलाना चाहता है। तो ये पर्सन की कुछ मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनल से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, रैशनल वे में ये पर्सन ज़्यादा सोचता है, ये आप लोगों को भी लगता है, बिकॉज इट्स रियलिटी, क्योंकि ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे।
बट आप लोग अटके हुए हो, आपको समझ नहीं आती आप लोग क्या करो, क्या आप इस पर्सन के आगे कनेक्शन में स्टैंड लो या ना लो। सो उस चीज़ के लिए गाइज आप लोग अपनी सोच को काफ़ी चेंज भी कर रहे हो कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है या इसने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी। बट अगेन आपकी वही सिचुएशन आ जाती है कि आप लोग मूव नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को बड़ी बुरी तरह से स्टक फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, आपको सेक्रीफाइस करना है। ठीक है, सो अपनी सोच को चेंज करिए, अपने जो भी आपने सोच को सेक्रीफाइस करना है या इस पर्सन से आप जितना भी प्यार करते हो उस चीज़ को सेक्रीफाइस करके, तभी मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में कोई मूवमेंट होगी, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी जब आप इस पर्सन को लेट गो करोगे। ठीक है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये पर्सन तो मुझे नहीं लग रहा जैसे आपसे बात करने में भी रेडी है, काफ़ी डिफेंसिव है और ये रेजिस्ट कर रहा है आप लोगों से कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन करने की आप लोग कोशिश भी करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सो इस चीज़ को सरेंडर करिए, आप लोग फोर्स मत करिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा कि आपसे बात करने की कंडीशन में। आप लोग यहाँ तो बात नहीं करना चाह रहे इस पर्सन से, यहाँ ये खुद ही नहीं बात करना चाह रहा आप लोगों से, और उस वजह से आप लोग यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो। ठीक है ना, चाहते हो आपके आपको मतलब कमिटमेंट ये पर्सन दे, कोई आपके साथ बात करे जो कि आपको क्लोजर दे इस कनेक्शन में, स्टेबल कमिटमेंट कि आगे क्या होना है। आप डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के लिए पैशनेट फील करते हो, डेफिनेटली यू गाइस डोंट वांट टू लूज देम। ठीक है, बट फिर भी मुझे इस पर्सन की तरफ से आपकी काफ़ी ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं, या तो आप लोग खुद बात नहीं कर रहे या ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता, ये सिचुएशन है। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। एक मुझे चीज़ ये भी नज़र आती है, शायद आप लोगों के इस कनेक्शन में ये भी प्रॉब्लम रही है कि या तो आप लोग इस पर्सन को काफ़ी कंट्रोल कर रहे थे, आप अपनी करते हो, ये पर्सन अपनी करने वाला है, दोनों एक दूसरे की नहीं मानते, एक दूसरे की नहीं सुनते, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, दैट्स वाई यहाँ पे आपका सिचुएशन ख़राब चल रही है। ठीक है ना, आप लोग अपनी मनवाते हो, ये पर्सन अपनी करने वाला है, दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनते, दैट्स वाई ये कनेक्शन आगे मूव नहीं कर रहा। चलिए आप देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। बट ये सिचुएशन जो आपकी है मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रही है, इमोशंस यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ तो आपको लगता है कि ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल वे में सोचता है आप लोगों को लेके, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहा। चले एनी हाउ देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस फीलिंग हैं आप लोगों को लेके। आप लोग तो मुझे इमोशनल नहीं नज़र आ रहे इस पर्सन को लेके। यू गाइस आर वेरी कंट्रोलिंग वट एवर मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ तो आप लोग किसी ऐसी पोजीशन पे हो, यहाँ आप लोगों का जो स्टार साइन मुझे एरिस बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली एरिस वाले काफ़ी अथॉरिटेटिव होते हैं, काफ़ी एंगर इश्यूज हैं उसमें आप में होंगे, आप नहीं किसी की भी सुनना चाहते, आप रिलेशनशिप में भी आना चाहते हो ना इस पर्सन के साथ, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी ज़्यादा माने, बट ऐसा नहीं होता गाइस। ठीक है, चलें देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन इमोशंस हैं गाइस, टू ऑफ कप्स आप लोगों के सामने है, यहाँ पे कप्स ही कप्स आ रहे हैं। आप लोग इमोशनल नहीं हो इस पर्सन को लेके, या तो आप लोग माइंड गेम्स भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ खेलते हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो, या फिर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी लॉजिकल हो चुके हो। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको क्लोजर नहीं दे रहा, आपको किस तरह की एक होता है ना स्टेबल बात करना वो नहीं दे रहा, इसी वजह से आपकी ये सिचुएशन हो गई है। आप बिगनिंग भी चाहते हो इस पर्सन के साथ करना, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव भी हो, आप ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपको हर्ट ना कर दे, बट ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है आप लोगों को लेके। अभी तक कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस पर्सन के, आपके पार्टनर्स के। देन वी हैव द मैजिशियन, यस, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ कप्स। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे है ही कप्स की एनर्जी। इस पर्सन की एज 26, 29, 22, 21, 36, 39, 32, 31। दिस पर्सन इज़ सो इमोशनल गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस है आपका इस पर्सन के साथ। सो यहाँ पे सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन पास्ट की काफ़ी मेमोरीज आपको आपसे रिलेटेड याद कर रहा है। ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, ये पर्सन आपका कोई स्कूल कॉलेज का यूनिवर्सिटी का फ्रेंड हो सकता है। ठीक है,
बट हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस पर्सन को चाइल्डहुड से जानते हैं, आप दोनों की कोई ना कोई मेमोरीज है एक दूसरे के साथ, जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे, तो ये पर्सन उन उस टाइम को बहुत मिस करता है। ये इस पर्सन की विश है कि आप लोगों के साथ यूनियन में आए, और उस चीज़ के लिए ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन, इसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं गाइस। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, कर नहीं पा रहा। एक इमोशंस का अंदर आप इसके कह लो तूफान है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली रोमांटिक, आपसे बहुत प्यार करता है गाइस ये पर्सन, और इस पर्सन की विश है कि आप लोगों के साथ कनेक्शन में आए, ठीक है ना। तो ये पर्सन सोच रहा है आप लोगों के साथ कनेक्शन में आने का। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है जब आप लोगों के साथ होता है या आप लोग इस पर्सन के पास होते हो। ओके, पहले पास में ये पर्सन मुझे लगता है सीरियस नहीं था, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर की एनर्जी थी, या ये पर्सन भी माइंड गेम्स खेल रहा था आप लोगों के साथ। बट अब की जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, इमोशंस हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं इसके, सीरियस, ठीक है ना। तो ये मिलके आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, और ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करता है। इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप लोग एक मैरिज मटेरियल की तरह हो। डेफिनेटली आप लोगों के लिए इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी लव काइंडनेस वाली फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, ठीक है। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये एक न्यू बिगनिंग चाहता है आप लोगों के साथ करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बिकॉज डेफिनेटली काफ़ी रोमांस है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हैं कप्स, इमोशंस हैं, मैं क्या बताऊँ आप। और एक मेजर अरकाना है आपकी इस पर्सन की साइड से कि ये बात करना चाहता है। हो सकता है कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ये पर्सन मैनिपुलेटर भी हो सकता है, ये पर्सन प्लेयर भी हो सकता है, इसने काफ़ी आपको मैनिपुलेट किया होगा पास्ट में, दैट्स वाई आपकी ये फीलिंग्स इस पर्सन को लेके हैं, ठीक है ना। आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, इमोशनल आप कम हो, क्योंकि इस पर्सन ने किया ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके इमोशंस काफ़ी दब चुके हैं, और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल वे में सोचते हो। बट ये आपके आपकी यहाँ पे फीलिंग्स से ज़्यादा इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि यहाँ पे हैं ही कप्स। तो काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस है ये पर्सन आपको लेके, इसके दिल में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, और यूनियन चाहता है ये पर्सन आप लोगों से करना, ठीक है। किस तरह का गिफ्ट भी देना चाहता है आपको। तो चलिए मज़ीद देखते हैं, और अगर ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व है गाइस, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आना चाहता है। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं एक एक कार्ड लूँगी, एक आपकी तरफ से लूँगी कि आप कैसा फील कर रहे हो अपने पार्टनर्स के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। स्टॉप, या आपने बंद कर दिया गाइस खुद इस पर्सन से बात करना, या आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता। ये फर्स्ट टाइम कार्ड आया, ऑब्वियसली स्पेसिफिक मैसेज है काफ़ी लोगों के लिए। आप लोगों को लगता है कि इस पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, इस पर्सन ने खुद कनेक्शन आप लोगों के साथ ख़त्म किया है, मतलब स्टॉप, क्रॉस। या तो आप लोगों ने इस पर्सन पर क्रॉस लगा दिया कि एंड, आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहता ही नहीं है, क्योंकि ये रेडी नहीं है, बात ही नहीं कर रहा आपसे। अगर आप कांटेक्ट करते भी हो तो ये पर्सन आपको कोई रिस्पांस नहीं करता। सो दैट्स वाई आपको लगता है कि इस पर्सन ने टोटली आपसे कनेक्शन ख़त्म कर दिया, दैट्स वाई आपकी सिचुएशन इतनी कोल्ड है, आपको कोई इमोशंस नहीं है, हैप्पीनेस आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आए आपके कनेक्शन में, बट इस टाइम आप लोग शायद कोशिश नहीं कर रहे, कर भी रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसीलिए आप लोग ने सरेंडर कर दिया। और अगर सरेंडर नहीं किया तो आप लोगों को सरेंडर करने की ज़रूरत है, फोर्स मत करिए, ज़्यादा पीछे मत पड़िए। तो मुझे यहाँ पे लगता भी है जैसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ बना दी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं रिस्पॉन्स कर रहा आपको, जबकि डीप डाउन इसकी फीलिंग्स ये हैं आप लोगों के लिए। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, जिन लोगों से ये रेजोनेट कर रही है आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर्स की 110% ये फीलिंग्स हैं, ट्रस्ट करना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बिकॉज टैरो ने वही बताना है जो रियल एनर्जी है, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ एनर्जी।
कार्ड एनर्जी पकड़ते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस और फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। दो कार्ड आए हैं, मैंने एक लेना था, डिस्ट्रप्शन एंड कम्फर्ट। यस, किसी ना किस तरह का बैरियर है आप लोगों के इस कनेक्शन में, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है और कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है आप दोनों के दरमियान, कम्युनिकेशन में आपके कनेक्शन के दरमियान, जो आपके इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को स्मूथ नहीं करने दे रहा। ठीक है ना, तो ये पर्सन कंफर्ट लेवल चाहता है आप लोगों के साथ, आगे ग्रोथ हो इस कनेक्शन की, आपके साथ यूनियन हो और आपके साथ इसके लाइफ में हैप्पीनेस आए। डेफिनेटली यहाँ पे पिंक की एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेके और काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है आप लोगों से। मैंने एक कार्ड लेना था, दो आए आप लोगों के सामने। तो हो सकता है आप लोगों का जो फेवरेट कलर है वो पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक या डार्क पिंक हो सकता है। ठीक है, ये आगे कनेक्शन चाहता है ये पर्सन आप लोगों के लिए। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं कुछ एक कार्ड आपकी तरफ से लूँगी और एक आपके पार्टनर्स की तरफ से। ठीक है, थोड़ा डिटेल रीडिंग है बिकॉज बहुत से लोग पसंद करते हैं कि यू वर्सेस देम की रीडिंग हो। सेपरेशन, यस गाइस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को मिस कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो, इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो और आपको फ्यूचर कोई नज़र नहीं आ रहा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी डेट्स वाई ये कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस हो गई है, आप इतने ज़्यादा रफ एंड टफ हो गए हो, इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्राई है कि आप इमोशंस किसी के लिए भी फील नहीं कर रहे हो इस टाइम। तो काफ़ी सैड हो आप लोग, इस पर्सन को मिस तो करते हो क्योंकि सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, इसीलिए तो आप अटके हुए हो, आप किसी और के साथ कनेक्शन भी नहीं रखना चाहते। तो आपको फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं है गाइज इस पर्सन को लेके। ठीक है, आप तड़पते हो इस पर्सन के लिए बट आपको क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इसने दी नहीं हुई आपको। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या इमोशंस फीलिंग्स हैं करंटली आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग इन टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड, ग्रोथ। यस, ये पर्सन तो आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है ये आपकी फीलिंग्स हों, ये आपके पर्सन की हों, वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो जैसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे लेना है। तो गाइस, ये पर्सन तो रिलेशनशिप में दोबारा से इवॉल्व होना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है कनेक्शन को, बिकॉज ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और लव फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेके और काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन। ठीक है, ये खुद को हील करना चाहता है डेफिनेटली। बटरफ्लाई इज़ द सिंबल ऑफ चेंज, चेंजिंग चाहता है और ग्रोथ चाहते हैं आपके पर्सन आपके इस कनेक्शन में, कि आगे आपके इस कनेक्शन में अच्छा सब कुछ हो। ठीक है ना, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। अब मैं देखूँगी म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों की इस कनेक्शन को लेके, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों की, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेके। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन चल रहा है जिनका, ब्लॉक सिचुएशन है। व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की म्यूचुअल फीलिंग्स इस कनेक्शन के लिए क्या है। वन मोर कार्ड, द डेविल। काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ पे एडिक्शन हो रही है आप लोगों को। ठीक है ना, आप लोग काफ़ी एडिक्शन फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए और काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल इंटीमेसी फील कर रहे हो। ओके, किंग ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। यस, दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, चीज़ों के बेटर होने का वेट कर रहे हो आप लोग, और आप दोनों को हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी। अपने आप को फोकस करिए, स्पेशली आप, क्योंकि आप तो मेरे व्यूवर्स हो, आप सुन रहे हो मुझे। सो दोनों काफ़ी ज़्यादा अपनी अपनी ईगो में बैठे हुए हो, आप भी ईगो में हो, ये पर्सन भी ईगो में अपनी, बट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो दोनों एक दूसरे के लिए, बट पेशेंस रखा हुआ दोनों ने। ठीक है ना, और मज़ीद पेशेंस की ज़रूरत भी है, दोनों राइट टाइम का वेट कर रहे हो। खुद को बैलेंस करिए गाइस, और बैलेंस इस कनेक्शन में आप चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी एनर्जी को आप हील करिए क्योंकि यू गाइस आर वेरी सैड एंड इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अभी आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस नहीं है, सो बैलेंस करिए, यहाँ पर यही बात हो रही है। ठीक है ना, या सो दिस इज द रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।